दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रविवार यानी कल कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दावन छोड़ दिया। गहलोत और आपके बीच मतभेद तब सामने आए थे जब उपराज्यपाल ने उन्हें झंडा फहराने के लिए चुना था, न कि आतिशी को। इसके बाद गहलोत को पार्टी के भीतर दरकिनार किए जाने की खबरें लगातार आई, जबकि आतिशी को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए, इसलिए कैलाश गहलोत नाराज होते चले गए। आपको बता दें कि इस साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को प्राथमिकता दी थी, लेकिन एलजी वीके सक्सेना ने इस काम के लिए कैलाश गहलोत को नियुक्त किया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गहलोत को लेकर आपके भीतर अविश्वास की भावना पैदा हुई। साल 2023 में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनके संबंधों में खटास आने लगी, क्योंकि गहलोत की तुलना में आतिशी को महत्व दिया गया, जो उस समय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली कैबिनेट में दूसरे नंबर पर थे। सक्सेना के साथ गहलोत की निकटता भी आप नेताओं के बीच असहजता का विषय थी। आपको बता दें कि अगस्त में जब दिल्ली स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, तब संवैधानिक दुविधा ये थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के कारण राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा। केजरीवाल ने ध्वजारोहण की जिम्मेदारी के लिए मंत्री आतिशी को प्राथमिकता दी, जबकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस काम के लिए कैलाश गहलोत को नियुक्त किया। हालांकि आपने औपचारिक रूप से इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि इस घटना ने अविश्वास की भावना को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जब पार्टी के अन्य पदाधिकारी राज्य निवास के साथ रोजाना मौखिक टकराव में लगे हुए थे, तब गहलोत सक्सेना के साथ आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। इनमें आधारशिला रखना, नई बसों का उद्घाटन करना और भी कई जैसे महत्वपूर्ण काम शामिल थे। ऐसे गतिविधियां जिनमें वरिष्ठ आप पदाधिकारी में बेचैनी पैदा हुई। गहलोत खेमे ने एलजी के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों का श्रेय उनके कामकाज के तरीके को दिया, और इस तरीके से ये खटास लगातार आम आदमी पार्टी और कैलाश गहलोत के बीच बढ़ती चली गई, और आखिर में नतीजा ये हुआ कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कैलाश गहलोत के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की कई रेड हो चुकी थी, वो जांच का सामना नहीं कर पा रहे थे। उनके पास इस्तीफे देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, उनके पास भाजपा में जाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये भाजपा का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखा और शीश महल का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी को इस्तीफा भेजा है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। गहलोत ने अपने पत्र और पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक पत्र केजरीवाल को भेजा, जिसमें इस्तीफे में यमुना की सफाई और शीश महल निर्माण का मुद्दा उठाया। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा कि यमुना की सफाई का वादा हमने पिछले चुनाव में किया था, लेकिन सफाई नहीं हुई, हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।